मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा सत्र असमय समाप्त होने पर मोहन सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। वहीं उन्होंने बजट को लेकर भी जमकर आरोप लगाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र समाप्त होने पर जीतू पटवारी हुए आग बबूला। पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मोहन सरकार पर लगाए आरोप। पटवारी बोले, घोटालों की सच्चाई से भाग रही मोहन सरकार। बजट को लेकर बोले जीतू, यह दिवालिया सरकार है, वित्त मंत्री इस्तीफा दे। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 5 दिनों बाद ही अनिश्चितकालीन समय तक स्थगित कर दिया गया है, जिसे लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी आग बबूला हो गए। पटवारी ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मोहन सरकार की जमकर घेराबंदी की। पटवारी ने कहा कि एमपी के विधानसभा का सत्र असमय समाप्त किया गया, जिससे स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सरकार पालन नहीं करती है। पटवारी ने कहा कि सरकार चाहती थी विभागवार चर्चा ना हो। इस बैठक में नर्सिंग और जल संसाधन विभाग का मामला कांग्रेस विधायकों ने उठाया। 14 बैठकें होनी थी, ऐसा क्या हुआ कि आपने सदन नहीं चलाया? विधानसभा का सत्र जिस तरीके से असमय समाप्त किया गया, ये मैसेज है कि ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास ही नहीं करती। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो, और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना आए। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष की के नेतृत्व में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खोली और एक एग्रेसिव रुख अपनाया, वो अपने आप में इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। मैं सारे विधायकों को बधाई देता हूं, पर सवाल यह है कि 1 से 19 जुलाई तक प्रस्तावित थी 14 बैठकें, आपने ऐसा क्या सब्जेक्ट हो गया कि विभागवार चर्चा ही नहीं कराई और सब बुलेटिन कर दिया? ये 4,287 प्रश्न सवाल पूछे गए थे, उसमें बीजेपी के भी विधायक थे। सदन एक माध्यम होता है एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की आवाज़ को रखने का। बीजेपी के विधायकों के प्रश्नों का भी अपमान किया है सरकार ने और इस व्यवस्था ने, जिसमें सिर्फ 64% प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, 2756 प्रश्नों के उत्तर इस सरकार ने नहीं दिए इसी सत्र। अनुदान की जो मांगे थी, जैसा मैंने कहा, विभागवार चर्चा में भरोसा ही नहीं था इस सरकार का। शून्यकाल की सूचनाएं थी उसको नज़रअंदाज किया गया, और 500 ध्यान आकर्षण, 500 लगभग ध्यान आकर्षण सारे विधायकों के लगे थे, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों थे। तो मूल भावना इस सरकार को संसदीय कार्य व्यवस्था में, इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को संसदीय कार्य व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है इसका। जीतू ने मोहन सरकार के बजट को लेकर कहा कि इस बार हेडिंग बनी कि कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार। इस सरकार ने पिछले बजट में 29,50,000 रोजगार जनरेट करने के लिए कहा था, 2,30,000 लोगों को निजी सेक्टरों में रोजगार दिया, शासकीय सेक्टर में नहीं। जो बच्चे बेरोजगार बचेंगे वो क्या चोरी करेंगे? अब आया बजट। बजट में पहले हम बजट आता था तो मीडिया की सुर्खियां बनती थी, इतनी छूट दी गई, इतने रोजगार उपलब्ध कराने के माध्यम बना बजट, कृषि में इतना फायदा, आम मिडिल क्लास को इतना फायदा, पॉजिटिव खबरें अखबार की हेडिंग बनती थी।
इस बार क्या हेडिंग बनी? इस बार हेडिंग बनी कि प्रति व्यक्ति कर्ज 60,000 रुपए हो जाएगा। इस बार हेडिंग बनी 90,000 करोड़ रुपया इस साल एक्स्ट्रा कर्ज लेना पड़ सकता है। 88,000 करोड़ रुपया इस साल कर्ज लेना पड़ सकता है। इस बार हेडिंग बनी कि सरकार ने 64% जो बजट टोटल पिछला किया था उसका खर्च ही नहीं, 64% ही खर्च कर पाए, यानी बचा हुआ 36% इस सरकार ने पिछला खर्च ही नहीं किया। से कर्ज चुकाने वाली सरकार, कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, मतलब इस सरकार का असली चेहरा सिर्फ, मैं बार बार बोलता था, कर्ज, क्राइम और करप्शन, कर्ज लेना, करप्शन करना और क्राइम को पालना और पोसना इस सरकार का मुख्य एजेंडा था। अब आप देखो कि 2023 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज था 3,19,000 करोड़ रुपया, उसमें 2024 में आते आते ये 3,75,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। अगर जो अनुमानित कर्ज की भावना बताई जा रही है, जो सरकार के बजट से भी सिद्ध होती है, ये पहुंच जाएगा 4,41,000 करोड़ रुपया। तो अल्टीमेटली प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए के कर्ज में है होना है इस सरकार का, जो आज पैदा होगा और जो आज जिसकी मृत्यु होगी। इतना ही नहीं, पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार दिवालिया सरकार है। 10 साल में 50 लाख बच्चे स्कूलों में घट गए और 400 करोड़ बजट बढ़ गया। कर्ज लेकर घटिया प्रबंधन किया, जो उसके कारण वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। होता है, साधारण भाषा में हम समझे, जो परिवार पूरा पालन पोषण जीवन यापन करने के लिए सिर्फ कर्ज पे डिपेंड होता है तो अल्टीमेटली उसको दिवालिया होना पड़ता है। हमारी सरकार इस नाते दिवालिया सरकार है। हमारा जो मूल जो भावना है कि कर्ज लेना और करप्शन करना। अब आप देखो, केवल एक क्षेत्र लेते हैं एजुकेशन का, और वो भी सिर्फ स्कूल एजुकेशन का। स्कूल एजुकेशन में ये 2024 में 23-24 के बजट में 42 लाख बच्चों को इन्होंने मध्यान्ह भोजन दिया, 42 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया। और सरल करें इसको तो 2010 और 11 में 10 साल पहले चले जाओ, 12 साल पहले चले जाओ, 1,06,00,000 बच्चे स्कूलों में थे और मध्यान्ह भोजन मिलता था, उस पर खर्च होता था 1,082 करोड़ रुपया। आज से 12 साल पहले 2010-11 में 1 करोड़ बच्चे से ज़्यादा पढ़ते थे और उस पर खर्च होता था 1,000 करोड़ रुपया। इस बार 54,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 50 लाख बच्चे स्कूलों में कम हो गए 10 साल में, 50 लाख बच्चे। ये CAG की रिपोर्ट के डाटा है, उसमें इनने खर्च किए 1,347 करोड़ रुपए, लगभग 1,350 करोड़ रुपए। बच्चे कम हो गए 50 लाख और पैसे बढ़ गए 400 करोड़। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये लूट नहीं है तो क्या है? और कर्ज लेके करना क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली आप सबसे अनुरोध मेरा इतना ही है कि ऐसे ही जैसा मैंने आप सबको बताया कि एक जो बजट होता है वो बजट होता है आम जनता की खुशहाली के लिए, लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए। अब इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो पहली बार ऐसा हुआ कि CAG ने सरकार को कहा कि ये जो वित्त मंत्री है घटिया वित्त मंत्री है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये CAG का आरोप है। आरोप नहीं है, लिखित में है। CAG की जो रिपोर्ट आई अभी 3 दिन पहले, उसमें कहा गया कि 23-24 का जो बजट है उसके अंतर्गत इस सरकार ने जो निर्णय लिए, जो प्रावधान किए, बढ़ा के किए, खर्चा 64% किया और घटिया प्रबंधन के अनुसार पूरी व्यवस्था जमाई। मतलब एक वित्त मंत्री को हमारी CAG की रिपोर्ट ने ये कहा कि ये घटिया वित्त मंत्री है। मेरा आरोप नहीं है। इस नाते में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सरकारी एजेंसी है,
जो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा रखती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसका निरीक्षण करती है और पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक के सामने लेके आती है ये बात कि इस साल किस तरीके से सरकार ने काम किया पिछला। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र समाप्त होने से कांग्रेस आक्रोश में है, वहीं बजट को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर आरोपों की बारिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।